न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे समाज साहब जनाब सजी राय साहब ने और उनके साथ साथ तमाम उनके अहले खानदान ने आज उनका स्वागत कराया। हुआ है अल्लाह तबारक ताला से कि जिस तरह से ईदगाह में रोज़ा खुलता आ रहा है और रोज़ा खुलता रहेगा, और जिस तरह से हमारे सजी भाई ने और तमाम लोगों ने जो पहले रोज़ा अफ्तार कराया है आपके ईदगाह के अंदर और जबलपुर शहर के अंदर भी जितने भी रोज़ा अफ्तार हो रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ इन बुजुर्गान दीन के आस्ताने से कि अल्लाह ताला इसी तरह से मुसलमान खुशहाल रहे और रोज़ा अफ्तार कराए। और जबलपुर शहर के अंदर जिस तरह से हमारे हिंदू भाई भी रोज़े का अहतमाम करके रोज़ा खुलवा रहे हैं, मैं उनको भी दिल्ली मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए कि जबलपुर की सरकार धानी में माँ नर्मदा जी के तट पे जो जबलपुर बसा हुआ है, इस पर हमारी कौमी एकता कायम है और हमारी कौमी एकता रहेगी, क्योंकि हजरत मौलाना महमूद अहमद कादरी साहब ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और हमेशा यही बात कहा है कि कौमी एकता जबलपुर कायम रहे। वो कौमी एकता के अलमबरदार थे, आज हमारे बीच में नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम दे और तमाम मुसलमान और जबलपुर शहर और मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में खुशहाली रहे। इस रमजान के महीने में तमाम हिंदुस्तान पूरी दुनिया का मुसलमान और दुनिया के लोग खुशहाल रहे, यही मेरी अल्लाह की दुआ है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।